हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एवरग्रीन रेसिपी। आज हम बनाएंगे घर पे पिज्जा, वो भी बिना ईस्ट और बिना ओवन का। तो उसके लिए मैंने लिया है ये करीब 100 ग्राम मैदा है। तो इसमें एक होल पहले बना लेते हैं हम, और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। जो बेकिंग सोडा और पाउडर है वो आपका फ्रेश होना चाहिए, ज्यादा पुराना होगा तो वो उतना प्रॉपर काम नहीं करेगा। तो ये हाफ टेबल स्पून मैंने ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर डाला है। और उसके बाद सेम प्रपोर्शन हाफ टेबल स्पून मैं इसमें बेकिंग सोडा डालूंगी, और फिर थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। ये नॉर्मल सॉल्ट है जो हम यूज करते हैं, और ये एक टेबल स्पून शुगर है ये मैं इसमें डाल रही हूं। अब इन सब को हम हाथों से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा दही डालकर हम इसका एक सॉफ्ट डो बनाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच कर्ड आप ऐड करें और इसको मिक्स करते जाएं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो डो हमारा है वो लग चुका है, और जैसा कि आप देख रहे हैं ये रोटी का जो हम डो बनाते हैं उससे थोड़ा लूज है ये डो, और आपको बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है। और अब इसमें मैं डाल रही हूं एक स्पून, इस नॉर्मल जो खाने का स्पून होता है इससे मैंने दो स्पून मैंने ऑयल डाला है। ऑयल डालने से जो हमारा बेस है ये अंदर से सॉफ्ट रहेगा। और अब इसको हमें बस इस तरीके से 5 मिनट तक पटकना है, ये बहुत जरूरी स्टेप है। तो आप इस तरीके से इसे लेकर पटकें। तो डो हमारा बिल्कुल रेडी है, और अब हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ये अच्छे से सेट हो जाएगा। और तब तक हम अपना प्री हीटेड ओवन रेडी कर लेते हैं। तो ये हमारा होममेड ओवन है, इसके लिए मैंने एक कढ़ाई लिया है। गैस ऑन करेंगे और इसमें हम डालेंगे नमक। तो बेस में आप नमक डालें, ये नमक कई बार बेकिंग में यूज हो चुका है इसलिए कलर इसका ऐसा हो गया है। आप भी बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, नमक जब बेक कर ले और उसके बाद उसको अलग डब्बे में रख दे, और इसको बार बार आप बेकिंग में यूज कर सकते हैं। और इसे हम थोड़ा सा ऐसे फैला देंगे नीचे, और उसके बाद इसके ऊपर आप किसी कटोरी या फिर अगर आपके पास ऐसी कोई स्टैंड है तो वो रख दें, ताकि ये थोड़ा ऐसे ऊंचा हो जाए और हम इस पे अपना पिज्जा बेस किसी थाली में रख सकें। तो ये हमारा ओवन रेडी हो गया है, इसे हम 10 मिनट के लिए हीट कर लेंगे कवर करके, तब तक हमारा बेस भी रेडी हो जाएगा। तो चलिए फिर, तो 10 मिनट हो चुके हैं, डो हमारा रेडी है, और इस बीच में मैंने अपने टॉपिंग के सामान भी रेडी कर लिए हैं। तो अब हम इसका बेस बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये एक थाली लिया है जिसपे हम अपना पिज्जा बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसे ऑयल से अच्छी तरीके से ग्रीस करेंगे। तो आप अच्छे से इसको ग्रीस करें, अगर इसमें ऑयल कम लगा रहेगा तो फिर पिज्जा को निकलने में प्रॉब्लम होगी। तो अच्छे से सारे साइड्स पे आप इस पे फैला दें। तो मैंने प्लेट को ग्रीस कर दिया है। अब ये जो डो है हमारा, इसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, इसमें हमारा दो पिज्जा बन जाएगा। तो ये हमारा दो बॉल रेडी हो गया है पिज्जा के लिए। अब हम इसे आप चाहें तो रोल कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट हाथों से भी इसे फैला सकते हैं। तो ये मैंने लिया है मक्के का आटा, जिसमें मैं इसे रोल करके और इसे फैलाऊंगी। अगर आपके पास मक्के का आटा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे मैदे से डस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसे अपने हाथों से ही ऐसे फैला सकते हैं प्लेट पे, और आप चाहें तो आप इसे रोल भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इक्वली इसे हाथों से ही स्प्रेड कर दिया है। अब जो बेस है ये बीच से फूले नहीं, इसलिए आपको फॉर्क के हेल्प से इसे ऐसे इसमें होल बनाना है, ताकि जो बेस है ये हमारा फूल ना जाए। तो इस तरीके से आप होल बना दें।
तो होल मैंने बना दिया है। अब इस पे हम पिज्जा सॉस अप्लाई करेंगे। ये होममेड पिज्जा सॉस है, इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप इसे जरूर ट्राई करें और आप इसे इवेनली इस पे स्प्रेड कर दें। इस सॉस को आप एक महीने तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं किसी कंटेनर में रखकर। तो ये मैंने इसे पिज्जा पे अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। बिल्कुल साइड साइड तक हम नहीं इसे स्प्रेड करेंगे, थोड़ा कम स्प्रेड किया है। अब टॉपिंग में मैं यूज कर रही हूँ ये ग्रीन शिमला मिर्च और प्याज और टमाटर। आप कुछ भी कोई भी चीज टॉपिंग में यूज कर सकते हैं अपने मन का फ्लेवर। आप इस पे टॉपिंग में कॉर्न भी डाल सकते हैं, पनीर मैं इसमें यूज करूंगी। तो इस तरह से आप अपने फेवरेट टॉपिंग्स यूज कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। इस तरीके से आपको टॉपिंग्स को डेकोरेट करना है इसके ऊपर। पनीर को मैंने नमक और काली मिर्च के साथ इसे थोड़ा सा मैरिनेट कर लिया है। आप चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस प्रोसेस को स्किप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम, जैसे भी आपकी मर्जी हो, आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। और उसके बाद मैं यूज कर रही हूँ ये मोज़रेला चीज। इसे मैंने ग्रेट किया है, आप ग्रेटेड भी मिलता है मार्केट में और बिना ग्रेट किया हुआ भी मिलता है, तो आप कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। और इसमें आप कई तरीके की चीज यूज कर सकते हैं, मैं बस मोज़रेला चीज का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें चेडार चीज, प्रोसेस चीज इन सब का भी यूज कर सकते हैं। और सब कुछ डालने के बाद मैं इस पे थोड़ा सा ऑर्गेनो डाल रही हूँ। और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालूंगी, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का ही डालूंगी मैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। और फिर ये जो साइड्स के कॉर्नर हैं, इसे हमें ऑयल से ब्रश करना है। और इस पे आप अच्छे से ऑयल लगाएं ताकि इस पे अच्छा सा कलर आए। इस तरीके से चारों साइड्स पे आप अच्छे से ऑयल लगा दें। और बस अब ये रेडी है बेक करने के लिए। तो ये हमारा ओवन भी रेडी है, इसे हम प्री हीट कर चुके हैं। मैंने इसका फ्लेम लो कर दिया था क्योंकि 10 मिनट हो चुका था। अब ये प्लेट लेंगे और अच्छे से सेफली आप इसे यहाँ पे बीच में रख दें। और इसे हम कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए कुक करेंगे। आप बीच बीच में चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। तो मैं इसे कवर कर देती हूँ और 10 से 15 मिनट हम इसे बेक करेंगे हाई फ्लेम पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 10 मिनट हो चुके हैं और पिज्जा हमारा बिल्कुल रेडी है। मैंने गैस को बंद कर दिया है और इसे अब हम सावधानी से निकाल लेंगे। कढ़ाई बहुत ज्यादा गर्म है तो ध्यान रखें। तो ये देखिए पिज्जा हमारा बिल्कुल रेडी है। ये देखिए नीचे से भी बिल्कुल ये रेड अच्छे से हो चुका है। अब मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। चीज काफी अच्छे से मेल्ट हो चुका है इसमें। काफी अभी गर्म है इसलिए मैं थोड़ी सी सावधानी बरत रही हूँ। ये देखिए काफी अच्छा जो हमारा पिज्जा का बेस हुआ है, ये काफी अच्छा बना है, फूला है। तो इस तरीके से आप घर पर बिना ओवन और बिना ईस्ट का पिज्जा बना सकते हैं। अब इसके ऊपर आप ऑर्गेनो और रेड चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकल करके आप इसे सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं कुछ नई रेसिपी के साथ, टिल देन बाय बाय।